हेलो एवरीवन, आपको फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। मैं हूँ दीपक सिंह और आप देख रहे हैं एग्री लर्नर्स पॉइंट। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, या फिर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बेस्ट यूजफुल रहने वाली है। इसलिए याद रखिएगा, इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और एक रिक्वेस्ट मैं सभी से करना चाहूँगा कि यार वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लेना है, क्योंकि याद रखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हम करवाते हैं आपको सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, और वो क्वेश्चन आपको या तो प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिल जाते हैं, या फिर जितने भी यहाँ पर सिलेक्टेड है जो कि बार बार पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि हमारी जब भी क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि वह किस्म है जो भूसी रहित होती है। ठीक है, अब इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो, भूसी रहित मतलब हुस्कलेस, क्या होता है हुस्कलेस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि मंजुला के 141 डोलमा या फिर RS-16। तो इसमें से राइट आंसर क्या है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, या फिर आप देख सकते हो। याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, हर एक क्वेश्चन अपनी जगह एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है भूसी रहित वेराइटी कौन सी है। तो याद रखिए ये होती है डोलमा होती है, और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि गेहूं में क्राउन रूट प्रकट होती है। अब आपको सभी को ये तो पता होगा कि जो क्राउन रूट मतलब जो CRI स्टेज है ये कब आती है, ये आती है 21 दिन बाद में आती है। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो क्राउन रूट निकलती है ये कहाँ पर आती है, इसकी स्थिति क्या होती है। ठीक है, पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि मर्दा सतह के ऊपर, मर्दा सतह के नीचे किंतु बीज के ऊपर, या फिर मर्दा सतह एवं बीज के नीचे, या फिर बीज के नीचे। ठीक है, चारों स्थिति यहाँ पर आपको दे रखी है। इसमें से आपको पहचानना क्या है, ये जो क्राउन रूट निकलती है जिन्हें याद रखिएगा एडवेंटियस रूट भी बोला जाता है, तो ये निकलती कहाँ पर है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं जो क्राउन रूट, तो सबसे पहले अभी आपको बताया गया था कि ये कब निकलती है, 21 दिन बाद में निकलती है, डास मतलब डे आफ्टर सोविंग। ठीक है, याद रखिएगा कि क्राउन रूट निकलती है 21 दिन बाद में। अब कहाँ पर निकलती है, याद रखिए ये निकलती है मर्दा सतह के नीचे लेकिन बीज के ऊपर निकलती है। कहाँ पर निकलती है, याद रखिएगा मर्दा सतह के नीचे किंतु बीज के ऊपर निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चने की अवरोधी किस्म किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। याद रखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो अवरोधी किस्म होती है ये किसके प्रति रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कि विल्ट, झुलसा रोग, सूखा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन बताइए। तो अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा चने की अवरोधी किस्म किसके प्रति रेजिस्टेंस होती है या फिर प्रतिरोधक क्षमता रखती है, तो ये रखती है, याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, विल्ट के प्रति रखती है, किसके प्रति, विल्ट के प्रति रखती है। आप याद रखिएगा कि विल्ट के प्रति कौन सी रखती है, अवरोधी किस्म रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें आपसे पूछा गया है कि ए वैल्यू अवधारणा किसके द्वारा व्यक्त की गई थी, या फिर किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, किसके द्वारा दी गई थी। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि सोरेनसन के द्वारा, बेकेट के द्वारा, सियोफील्ड के द्वारा, फिर फाइन व डेन के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर पूछा गया ए वैल्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, याद रखिएगा आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, इसलिए याद रखिएगा कभी भी अगर कोई सी भी क्लास लगती है तो इसे एक बार ज़रूर आप पूरा देख लें, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि ए वैल्यू कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था, याद रखिएगा डीन और फ्रेड के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा कि ए वैल्यू कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, डीन और फ्रेड के द्वारा दिया गया था।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि उपास 120 किसकी किस्म होती है। अब याद रखिए एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है, अब ये किसकी है ये आपको पहचाना है। पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पहचाना है गेहूँ की, अरहर की, जो की या फिर उड़द की। तो आपको क्या लगता है उपास 120 किसकी किस्म होती है? याद रखिएगा एक मोस्ट पॉपुलर किस्म है उपास 120, तो ये किसकी होती है? याद रखिएगा ये होती है अरहर की वेराइटी होती है। किसकी होती है? अरहर की एक मेजर वेराइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि अरुणा किस फसल की उन्नत किस्म है। याद रखिएगा ये जो आपकी प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका आपको जल्दी से राइट आंसर बताना है कि अरुणा किसकी उन्नतशील वेराइटी होती है, मटर की, कपास की, अरंडी की या फिर सोयाबीन की। आपको क्या लगता है आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से लाइव सेक्शन बताइए या फिर डायरेक्ट कमेंट करिए। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए अरुणा तो ये किसकी होती है? अरंडी की होती है। ठीक है, याद रखिएगा नाम से ही आप स्पष्ट याद रख सकते हो कि अरुणा अरंडी किसकी होती है? अरुणा अरंडी की होती है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि पान हरित का मुख्य घटक कौन सा होता है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनको आप ध्यान से देखिए, कॉपर, तांबा, मोलिब्डेनम या फिर मैग्नीशियम। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि पर्ण हरित का मुख्य घटक क्या होता है। पर्ण हरित मतलब क्लोरोफिल। याद रखिए ये क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको जल्दी से बताना होगा कि जो क्लोरोफिल होता है तो इसका मुख्य घटक कौन सा होता है या फिर जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, कॉपर, तांबा, मोलिब्डेनम या फिर मैग्नीशियम। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है क्लोरोफिल तो इसका कौन सा होता है, ये होता है मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। और आपने देखा होगा, याद रखिएगा पर्ण हरित का आप जब फॉर्मूला पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा कि बीच में एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो कम्प्लीटली आप जब देखोगे पता चल जाएगा। आप बस यहाँ पर ये याद रखिए कि इसका जो मेन कंपोनेंट होता है, मुख्य घटक होता है, वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम तत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, तो यार वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। यहाँ पर आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि यार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि अगर आपको नॉलेजेबल वीडियो लगती है तो आपको ये भी हक बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए हमारे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि धान की एक उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है। याद रखिएगा यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, उत्परिवर्तित किस्म, इसका मतलब क्या होता है? म्यूटेंट वेराइटी। ठीक है, याद रखिएगा जो इंग्लिश में समझना चाहता है वो देख सकता है कि धान की यहाँ पर आपसे पूछी गया क्या वेराइटी पूछी गई है, म्यूटेंट वेराइटी पूछी गई है। पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि जगन्नाथ, सतारी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर जया। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? म्यूटेंट वेराइटी पूछी गई है। क्या पूछी गई है? म्यूटेंट वेराइटी पूछी गई है। तो याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, तो इसका याद रखिएगा जगन्नाथ और सतारी। ठीक है, जगन्नाथ और सतारी ये दोनों ही क्या होती है, याद रखिएगा धान की म्यूटेंट वेराइटी होती है। कौन सी वेराइटी होती है? म्यूटेंट वेराइटी होती है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में आपको दे रखा है कि दोनों मतलब जगन्नाथ और सतारी। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन, जिसने भी बताया है उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हाल ही में टर्मिनेटर टेक्निक या फिर जो तकनीक है इसका प्रयोग किस फसल में किया गया था। याद रखिएगा यहाँ पर आपको एक वर्ड हाईलाइट कर रखा है, आप इसे हाईलाइट करिए कि टर्मिनेटर टेक्निक या फिर तकनीक, यानी कौन सी ऐसी फसल है जिसमें टर्मिनेटर जो तकनीक है इसका इस्तेमाल किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि धान, कपास, तंबाकू या फिर गेहूँ। तो आपका राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है टर्मिनेटर टेक्निक तो इसका प्रयोग किस फसल में किया गया था, धान, कपास, तंबाकू या फिर गेहूँ। याद रखिए इसका प्रयोग किया गया था कपास में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसका राइट आंसर आप इजीली बता दोगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो क्वेश्चन को तो आधे क्वेश्चन वैसे ही आपको समझ आ जाते हैं और उसके बेस पर आप राइट आंसर आसानी से बता सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करना कि निम्नलिखित में से किस फसल में कंपोजिट एवं सिंथेटिक किस्मों का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है,
याद देखिएगा, मुख्यतः जो वेराइटीज़ होती है इनको जब सिंथेसिस किया जाता है तो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है कंपोजिट वेराइटी, एक होती है सिंथेटिक वेराइटी। याद देखिए, कंपोजिट का हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक वेराइटी होती है इनका प्रयोग हम केवल एक बार ही कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैन? याद रखिएगा, इसका हम केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं खेती करने के लिए, और कंपोजिट का हम क्या कर सकते हैं? बार बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फसल है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी फसल है जिसमें याद रखिएगा कंपोजिट और सिंथेटिक किस्मों का प्रयोग किया जाने लगा है? धान, गेहूँ, मक्का या फिर कपास? तो याद रखिएगा मक्का में किया जाने लगा है। सिंथेटिक और कंपोजिट जो वेराइटीज़ है या फिर सबसे ज़्यादा जो डेवलप वेराइटीज़ हो रही है वो किस में की जा रही है? याद रखिएगा मक्का में की जा रही है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या देख रहे हो, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर से, जब तक के लिए सही जवाब है, टेक केयर।